Hi guys, this is your boy AZ with the weekly AZ preview. और आज मैं आपको उस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बड़ी ईद पर रिलीज हो रही है और कॉमेडी देखने वालों के लिए बहुत जरूरी है. जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जवानी फिर नहीं आनी 2 की. ये वही मूवी है जिसका पहला पार्ट जब आया था जवानी फिर नहीं आनी 1, तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड टूट गए थे क्योंकि काफी अरसे बाद कोई कॉमेडी फिल्म पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. हुमायूं सईद, हमजा अली वासी, वासी चौधरी, अहमद अली भट्ट, महवेश हयात ने मिलकर अलग किस्म की कॉमेडी क्रिएट की थी और मूवी बहुत ही अच्छी गई थी. नो डाउट कि उस मूवी के अंदर कुछ मिक्सचर्स थे अलग अलग मूवीज़ के, कॉमेडी मूवीज़ के, इंडियन मूवीज़ के, बट फिर भी मूवी की स्टोरी की जो लाइन है वो अच्छी थी, इसलिए ये मूवी चली थी. नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग ऑन बड़ी ईद एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इसमें हमजा अली बासी नहीं है, अपेरेंटली फॉर 2 रीजंस. एक के वो परवाज जुनून कर रहे थे और दूसरी वो मुल्क में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उसके काउंटर पार्ट के तौर पर फहद मुस्तफ़ा जी तो पाकिस्तान वाले बंदे को कास्ट किया है ताकि वो हमजा अली बासी वाला फैक्टर जो है वो निभा सके. और जो महवेश हयात है वो इस मूवी में नहीं है, उनकी जगह पर उन्होंने उनकी टाइप का वो कास्ट करने की कोशिश की है, वो जो कोकेन, कौन सी कोकेन है, हुकेन, मावरा हुसैन को कास्ट किया है इस मूवी में ताकि आपको वो पर्टिकुलर फीमेल ग्लैमर मिल सके. और बाकी मेल्स में वासी चौधरी है, फहद मुस्तफ़ा है, अहमद अली भट्ट है और हुमायूं सईद खुद है. और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मूवी भी नदीम बेग ने ही डायरेक्ट की है, और नदीम बेग जो है वो पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आने की वजह से हमें कॉमेडी मूवीज़ पहले हिट बहुत बड़ी हिट्स दे चुके हैं. तो अगर इस ईद पर आप कॉमेडी के मूड में हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो आई थिंक के जवानी फिर नहीं आने 2 इज़ अ मस्ट वॉच. हो सकता है कि मैं अभी आपको किसी सिनेमा में ही मिलूँ. मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मूवीज़ पर जाने से पहले रिव्यूज़ और प्रीव्यूज़ मिलते रहें. Guys, if you like my video, like, comment, subscribe, and stay tuned for more. And that's it.